पहले गोरखपुर गवाया, फूलपुर हाथ से निकला और अब धुआंधार प्रचार के बाद कैराना में भी कमल की कयामत आ गई तो योगी आदित्यनाथ से सवाल शुरू हो गए। यूपी में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनकर बागडोर थामने वाले योगी आदित्यनाथ से पार्टी के नेता पूछ रहे हैं, बताइए कश्ती वहीं क्यों डूबी जहां पानी कम था। चुनाव से किसी को गलत समझ नहीं पालना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय विषय है, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। कमियां क्या है उसको दूर करने में तो खास प्रयास किया जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य मजे नेता है, इशारों इशारों में बड़ी बात कर जाते हैं, योगी आदित्यनाथ पर सीधे ठीकरा फोड़ने का मतलब जानते हैं, लेकिन इस बार बेचैनी ज्यादा है। लगातार तीन तीन हार के बाद खीज और गुस्सा जब्त करना मुश्किल हो रहा है। हरदोई से बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश जब नाराजगी नहीं पचा पाए तो फेसबुक पर कैराना की हार का फसाना पेश कर दिया। मोदी नाम से पागे राज, कर न सके जनता मन काज, संघ संगठन हाथ लगाम, मुख्यमंत्री भी असहाय, जनता और विधायक त्रस्त, अधिकारी अध्यक्ष भी भ्रष्ट, उतर गई पटरी से रेल, फेल हुआ अधिकारी राज। शायद यूपी में बीजेपी के नेताओं को लगने लगा है कि 2014 और 2019 की जंग में फर्क रहने वाला है। सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ पर शोले बरस रहे हैं, योगी से सवाल पूछा जा रहा है, बताइए मोदी के नाम की कमाई कब तक खाएंगे, कुछ अपनी भी हुनर दिखाएंगे या यूं ही यूपी गवाएंगे। सुंदरूप से कर्मचारियों और अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और समाज को परेशान होना, परेशान करने की जो नियत है इसी के चलते हम उठा रहे हैं। और हमारे नेता पर उनको संदेश एक बढ़िया चला गया कि तहसील और ब्लॉक और जब तक थाने ठीक नहीं होंगे समाज में अच्छा संदेश जाने वाला नहीं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ जितना सुधार इन जगहों पर होना चाहिए अभी सुधार उतना नहीं। गोरखपुर फूलपुर की हार से बीजेपी यूं ही तिलमिलाई हुई थी, कैराना में जमीन देखनी पड़ गई तो पार्टी के नेताओं की नींद ही गायब हो गई। बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि पार्टी के नेता अंट शंट बयान दे रहे हैं। मैं ये कहूँगा निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कास्ट फैक्टर भी है और कास्ट फैक्टर के साथ साथ हो सकता है कि हम इसे एक बतौर चुनौती और बतौर एक अनुभव के रूप में हमेशा लेते हैं। तो योगी आदित्यनाथ का जलवा अपनी ही पार्टी के नेताओं की नजर में गिरावट की तरफ है, क्योंकि योगी से उम्मीद की जाती है कि वो वही करिश्मा करेंगे जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी करते हैं।